नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के Note 9 Pro Max के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखना कि ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Redmi के Note 9 Pro Max, ना कि दोस्तों Redmi के Note 9 Pro। दोस्तों Redmi के Note 9 Pro Max में एक नया अपडेट आ चुका है, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है। दोस्तों ये जो अपडेट है, ये दोस्तों Android 11 का अपडेट। तो दोस्तों फाइनली Redmi के Note 9 Pro Max में Android 11 का अपडेट आ चुका है। दोस्तों इस अपडेट का क्या साइज है और इसमें हमें क्या नया देखने को मिलता है, जी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों Redmi के Note 9 Pro Max में काफ़ी टाइम बाद Android 11 का अपडेट दे दिया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि Redmi दोस्तों ये फ़ोन होते हैं, इनमें हमें बड़े बड़े अपडेट दोस्तों काफ़ी लेट मिलते हैं, बट दोस्तों फाइनली अभी Redmi के Note 9 Pro Max में ये अपडेट दे दिया गया है। दोस्तों इसकी साइज़ की बात करें तो ये दोस्तों 2GB और दोस्तों 300MB का है, यानी दोस्तों 2.25GB का ये अपडेट है। तो इसमें दोस्तों हमें Android 11 के साथ साथ कुछ नए नए फीचर देखने को मिलते हैं, जो दोस्तों आपको तभी पता लगेंगे जब आप अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से यूज करते हो। यानी दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनके पास डिवाइस तो होता है पर वो दोस्तों छोटे मोटे चीज़ के लिए अपने फ़ोन यूज करते हैं, जैसे फ़ोन कर लिया, थोड़े यूट्यूब चला लिया, तो दोस्तों इस तरीके से नए नए फीचर का पता नहीं लग पाता। बट दोस्तों जब आप अपने फ़ोन को पूरी तरीके से यूज़ करते हो, उसकी सेटिंग के अंदर दोस्तों जो भी फंक्शन होते हैं उन सबको दोस्तों आप यूज़ करते हो, तब आपको पता लगता है कि आपके फ़ोन में दोस्तों कुछ चेंजेस आए हैं। तो जब आप अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से चेक करोगे, हर दोस्तों सेटिंग के फंक्शन को चेक करोगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ आपके फ़ोन में ये छोटे मोटे चेंजेस होने को आए हैं। क्योंकि दोस्तों जब मैंने इस अपडेट को अपने Redmi के Note 9 Pro Max में किया था, तो दोस्तों मुझे इस अपडेट को करने के बाद कोई भी नया चेंज देखने को नहीं मिला। जैसा दोस्तों पहले था सेम वैसा ही बाद में था, बट जब मैंने इसकी सेटिंग के अंदर जाके सारे फीचर को चेक किया, तब एक आध फीचर मुझे देखने को मिला जो दोस्तों पहले से अलग था। तो दोस्तों Android 11 का अपडेट आ गया है, तो ये तो अच्छी बात है, बट दोस्तों Realme जो UI है दोस्तों उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो दोस्तों जब वो चेंज आएगा कुछ नए अपडेट में, तब दोस्तों हमारे फ़ोन में कुछ नए चेंज देखने को मिलेंगे, बट दोस्तों अभी फ़िलहाल में ज़्यादा कुछ ऐसे चेंज नहीं हुए हैं कि आपका फ़ोन पहले से अलग लगे। तो दोस्तों अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो आप अपने फ़ोन को जाके चेक करें, आपके फ़ोन में दोस्तों जो अपडेट ज़रूर आया होगा। तो इस अपडेट को आप कर लें और Android 11 का दोस्तों आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।